गुर्जर महापंचायत आयोजित करने पर गुर्जर समाज के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब गुर्जर नेता नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। गुर्जर नेता विजय सिंह बैंसला और भूरा भगत समेत कई नेताओं ने भरतपुर कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में समान अपराध समान न्याय और समान दंड के तहत समान कानून की पालना कराने की मांग की गई है। आपको ये भी हम बताएं कि बयाना के अड्डा पीलूपुरा गाँव में पिछले दिनों हुई गुर्जर महापंचायत के बाद किरोड़ी सिंह बैंसला समेत करीब 32 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 2,500 से 3,000 लोगों को भी इस मुकदमे में शामिल किया गया है। पता चला उसके बाद में कि FIR लॉन्च हुई है 100 से ज़्यादा लोगों की इकट्ठा होने में और पैम्फलेट छापने में और एक शामिया लगा करके मीटिंग करने में। तो हम आए थे कि भैया आप अपने सब पता कर ही लिया तो हमें अरेस्ट भी कर लीजिए, तो वो तो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो फिर हमने उनको ये कहा कि अब कागज़ हमने दे दिया, अगर आप हमें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो FIR जो आपने हमारे ऊपर पूरे तरीके से करी है 24 घंटे में, उसी तरह से एक FIR आप बाकी 3 लोगों के नाम पे भी करिए जो फोटोग्राफ हमने दिए। राजपाल जी, माननीय राजपाल जी को हमने चिट्ठी लिखी है कि सामान्य न्याय सामान्य अपराध सामान्य दंड के अंदर सामान्य कानून के तहत एक ही कार्रवाई हर चीज़ पर होनी चाहिए। केसों से हम डरते थोड़ी हैं, केसों से डरते तो मान थोड़े नहीं करते यार। हम पे 300 से 200 के मुकदमे हैं ना, हम केसों से नहीं डर रहे। हम जेल जाएं, हम बेशक मरें, लेकिन हमारे लोगों को न्याय चाहिए। जो हमको न्याय दिया गया है वो न्याय चाहिए। हम अपने लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई लफंगेबाजी नहीं कर रहे जैसे अन्य लोग कर रहे हैं।